तो गाइस स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं WWE के नेक्स्ट पे पर व्यू के बारे में, जो कि होने वाला है क्लैश एट द कैसल। और उसके यहां पर मैं आपको डेट एंड टाइमिंग बताने वाला हूं, अगर किसी को अभी तक नहीं पता कि भाई क्या डेट होने वाली है और टाइमिंग, यहाँ पर खासकर क्या टाइमिंग होने वाली है यहाँ पर क्लैश एट द कैसल की, क्योंकि यहाँ पर ये पे पर व्यू हमें यूके से देखने को मिलेगा, यूके जाने वाला है। तो यूके और यूएसए की जो टाइमिंग है वो अलग होती है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हर बार हम सुबह उठ के शो देखते हैं, वैसे ये हमें देखने को मिलेगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल सारी यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक कर देना। तो वाइस पर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करें यहाँ पर क्लैश एट द कैसल की, तो यहाँ पर WWE 30 सालों बाद वापस से यूके जाने वाले हैं और वहाँ पर जाके वो कोई पे पर व्यू कोई मेजर यहाँ पर शो कराने वाले हैं, तो अपने आप में काफ़ी ये हिस्टोरिक शो होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर हम इसके पोस्टर की बात करें तो देख सकते हो, यहाँ पर पोस्टर के ऊपर हमें देखने को मिल रहे हैं ड्रू मैकिंटायर और रोमन रिंग्स, और एक और WWE ने पोस्टर निकाला है जिस पे हमें सिंगल यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर ही देखने को मिल रहे हैं। तो सीधा यहाँ पर जो फोकस है वो ड्रू मैकिंटायर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हम जानते हैं जो मेन इवेंट होने वाला है इस शो का वो हमें देखने को मिलेगा, अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच रोमन रिंग्स और ड्रू मैकिंटायर के बीच में। तो ड्रू मैकिंटायर को इस वजह से यहाँ पर इस पोस्टर के ऊपर भी डाला गया है। और बाकी हम बात करें तो यूके से यहाँ पर ये शो होने वाला है, प्रिंसिपैलिटी स्टेडियम से हमें शो देखने को मिलेगा। और मैं आपको अगर अभी कुछ यहाँ पर लेटेस्ट अगर यहाँ पर इसकी टिकट सेलिंग के बारे में बताऊँ, तो यहाँ पर WWE ने इसकी कैपेसिटी रखी है 71,000, यानी कि 71,000, और ऑलमोस्ट यहाँ पर ये जो स्टेडियम है वो सोल्ड आउट हो चुका है, क्योंकि 60-62 हज़ार WWE ने टिकट्स यहाँ पर सेल कर दिए हैं। और अभी हम जानते हैं कुछ दिन यहाँ पर रह गए हैं, कुछ हफ्ते यहाँ पर रह गए हैं, तब तक शायद यहाँ पर वो भी जो टिकट्स हैं वो यहाँ पर सेल पे मतलब सोल्ड आउट हो जाएंगे और एकदम पूरा जो स्टेडियम है हमें खचाखच देखने को मिलेगा। बाकी हम बात करें मैचेस के बारे में, तो WWE ने अभी 4 मैचेस शो के लिए ऑफिशियल कर दिए हैं, कुछ मैचेस शायद यहाँ पर और भी कंफर्म हो सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर इसकी डेट और टाइमिंग के बारे में, तो डेट यहाँ पर इसकी होने वाली है 3 सितंबर को, यानी कि सैटरडे को यहाँ पर होने वाला है ये शो। और टाइमिंग मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में ये हमें देखने को मिलेगा 3 सितंबर को ही देखने को मिलेगा, रात को 10:30 बजे। जी हाँ, यहाँ पर इस बार ऐसा नहीं होने वाला कि यहाँ पर 3 सितंबर डेट है तो अगली सुबह हमें देखने को मिलेगा, सुबह यहाँ पर सुबह का यहाँ पर कोई भी सीन नहीं है, बल्कि 3 सितंबर को रात को यहाँ पर 10:30 बजे से यहाँ पर शो स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया यूके की टाइमिंग थोड़ी सी अलग होती है, इस वजह से यहाँ पर इस बार ये शो हमें रात को देखने को मिलेगा, और शायद यहाँ पर 3-4 घंटे का तो शो चल ही सकता है, तो रात को मतलब 1-2 तो यहाँ पर बज ही सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं सऊदी के शोज भी हम देखते हैं रात को यहाँ पर वो आते हैं, तो इस बार यहाँ पर ये शो भी हमें रात को देखने को मिलेगा। काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी कमाल कमाल के मैचेस होने वाले हैं, स्टेडियम से शो है हिस्टोरिक, WWE इसको शो बनाना चाहिए, कुछ बड़े धमाके वहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं, तो वो यहाँ पर हम देखेंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया क्या इसकी डेट और टाइमिंग होने वाली है, अगर अभी भी आपका कुछ डाउट है कुछ कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो, कुछ अगर आपको इससे जानने को मिला हो नहीं पता था, तो वीडियो को लाइक कर देना, और तब तक के लिए ध्यान रखें अपना अपने परिवार का, तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।